तो अभी आवाज आ रहा है ना सबको? हाँ यस सर। ठीक, एक सेकंड, विंडोज कैप्चर। हाँ, सो ये है आज का टॉपिक, मल्टीमीडिया। देखेंगे व्हाट इज मल्टीमीडिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट इन मल्टीमीडिया एंड मल्टीमीडिया का यूजेस क्या क्या है एंड ऑल द स्टेप्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीडिया के बारे में किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत? सो देखो, मल्टीमीडिया इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन डिलीवर्ड बाय कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन, ये दीज आर द फाइव एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो जब इन पांचों एलिमेंट्स को साथ में कंबाइन करके हम कुछ जनरेट करते हैं, सो दैट फॉर्म इज कॉल्ड मल्टीमीडिया एंड इट इज़ बेसिकली डिलीवर्ड बाय कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो हम जो फ़ोन पे देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मल्टीमीडिया। अभी जो तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, अभी जो तुम लोग ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो मैंने टेक्स्ट भी लगाया है, मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज़ भी दिया है। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो कम्स अंडर मल्टीमीडिया। सो यही था मल्टीमीडिया का बेसिक जो डेफिनेशन है, कि मतलब इसमें बेसिकली पांच पांच इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है, टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन। सो ये पांच चीज एक कलेक्टिवली मिलके एक टाइप का मल्टीमीडिया बनाते हैं जो कि इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, इंटरेक्टिव होता है। ठीक, और नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। सो मल्टीमीडिया का बहुत वैरायटी ऑफ यूज है। जैसे घर में अगर हमें कुछ, जैसे तो स्कूल से स्टार्ट करते हैं, स्कूल्स। ठीक है, स्कूल में अभी जो नया फीचर्स इंप्लीमेंट हो रहा है स्मार्ट क्लासरूम का, सो स्मार्ट क्लासरूम में होता क्या है, बेसिकली मतलब स्मार्ट बोर्ड पे वहाँ पे क्लासेस होता है, प्लस वहाँ पे कुछ 3D, ठीक है, 3D एनिमेशन के जरिए स्टूडेंट को समझाया जाता है। सो मल्टीमीडिया का बेसिक जो एडवांटेज है वो है, इससे जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और एंड चीज़ें आसानी से, कंसेप्ट जो है आसानी से समझ में आती है। जो 3D मॉडल होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम ये ह्यूमन हार्ट, सो ह्यूमन हार्ट के अंदर में और भी बहुत सारा चीज़ें ये होती है, ये और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑर्टिकल वेंट्रिकल, बहुत सारा स्टफ्स मौजूद होता है। उसको अगर नॉर्मल डायग्राम से देखा जाए तो वो समझ में तो आता है, बट प्रॉपर उतना प्रॉपर समझ में नहीं आता है। अगर हम सेम थिंग का कंपैरिजन एक 3D मॉडल हार्ट से करें, तो अगर ह्यूमन हार्ट को 3D मॉडल में बनाया जाए एंड उसको बीच से बाइसेक्ट किया जाए, ठीक है, उस वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दिखेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा फॉर एनीवन हु वांट्स टू लर्न। ठीक है, तो इससे स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट आएगा और वो जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें वो भी अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेगा और स्टूडेंट्स प्रॉपरली सीख पाएगा। सो यहाँ पे यूजर्स ऑफ मल्टीमीडिया के जो मेन स्टार्टिंग, ये बिजनेस मल्टीमीडिया ओवरऑल हर एक फील्ड में, ऐसा कोई फील्ड है नहीं पहला बात जहाँ पे मल्टीमीडिया नहीं है। सो मल्टीमीडिया इज़ बेसिकली यूज्ड इन ऑल द फील्ड्स। सो बिजनेस एप्लीकेशन फॉर मल्टीमीडिया इंक्लूड प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, एडवर्टीजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बहुत सारा का काम है। सो बिजनेस में कैसे मल्टीमीडिया हेल्प कर सकता है? सबसे पहला बात तो प्रेजेंटेशन, लाइक अगर कुछ प्रोजेक्ट या डिगिंग वगैरह हुआ, सो वहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल मेथड है अगर प्रोजेक्ट को किसी को एक्सप्लेन करना है, जैसे मैं ही यहाँ पे तुम लोग को मल्टीमीडिया एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, कुछ इमेजेस लिखा है और कुछ हेडिंग वगैरह मैंने यहाँ पे दे दिया, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेक्टिव लग रहा है कंपेयर टू अगर मैं बस प्लेन टेक्स्ट और पीछे एक वाइट बैकग्राउंड दे देता, तो उसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। ठीक है, और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसे इंटरेस्ट भी आता है जब वहाँ पे कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट होता है,
कहीं पे भी, तो वहाँ से यूज़र को इंटरेस्ट आता है, वो और ज़्यादा उसको देखना चाहता है। सो सिंपली प्रेजेंटेशन, जैसे हमें किसी को कुछ ऐसा कुछ एक्सप्लेन करना है, कोई बड़ा सा टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना है, सो बस माउथ ऑफ वर्ड से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम प्रेजेंटेशन के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। सो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सिंपली कुछ थोड़ा मतलब प्रेजेंटेशन में कुछ डेटाज होता है, मतलब अगर बिजनेस के ये पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो प्रेजेंटेशन में बेसिकली डेटा होता है, ठीक है। डेटा को भी हम ऐसे अल्फाबेट से नहीं दिखाते, डेटा को हम चार्ट्स के थ्रू हम वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे पिक्चर्स भी आ जाता है, ठीक है। डेटा को वहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी होता है जो एक्सप्लेन करता है ये चार्ट का मीनिंग क्या है, तो टेक्स्ट भी आ गया। अगर वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ इमेजेस हुआ, कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस हुआ, तो वो भी एक एक तरीके से वो भी समझाता है कि इमेजेस कहना क्या चाह रहा है। सो बाय द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, और यूज़र जो है उसे आसानी से समझ पाता है और इंटरेक्टिव भी हो जाता है। ट्रेनिंग में भी काम आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी काम आता है, लाइक वर्क फ्रॉम होम वगैरह जो सीन है, जैसे अगर हम घर बैठे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, और रिमोट लोकेशंस पे जो ये अगर कोई भी जैसे ऑफिस, किसी ऑफिस में 5 एम्प्लॉयज़ का काम करते हैं और 5ों एम्प्लॉय रिमोट लोकेशन पे, लाइक जो एक्चुअल जो लोकेशन है वहाँ से सब बहुत फार अवे हैं। सो विद थ्रू द हेल्प ऑफ तो थ्रू द हेल्प ऑफ मल्टी मीडिया दे ऑल कैन ज्वाइन टुगेदर ऑन अ सिंगल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग। सो इन दिस वे वो रिमोट प्लेसेस पे होते हुए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से वहाँ पे ये हो रहे, कनेक्ट हो रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स पर्सन कैन रन एंड प्रोवाइड पोस्टर विद द हेल्प ऑफ मल्टी मीडिया। तो जैसे देखो किसी कंपनी में एक सेल्स पर्सन है, अगर उसको पोस्टर डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता है, तो सेल्स पर्सन क्या है बेसिकली, ओवर द वाया द फोन कॉल, वो बेसिकली जो सेल्स का जो उसको उसका काम होता है वो ओवर द फोन कॉल होता है, ठीक है। अगर अगर वो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहे तो वो पोस्टर या पैम्पलेट भी बनवा सकता है, और एडवर्टीजमेंट एक छोटा स्केल पे एडवर्टीजमेंट कर सकता है, जिससे हो सकता है चांसेस, देर आर हाई चांसेस है कि उसका जो सेल्स है वो वहाँ से भी आ सके, उस पोस्टर के थ्रू भी आ सके, रैदर देन कॉलिंग अदर पीपल। ओके, सो ये है यूजर्स ऑफ मल्टी मीडिया इन ये बिजनेस है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखो यूजर्स ऑफ मल्टी मीडिया एट पब्लिक प्लेस। सो मल्टी मीडिया इज ऑल्सो यूज इन पब्लिक प्लेसेस, लाइक मल्टी मीडिया इज अवेलेबल ऑल ओवर होटल्स, ट्रेन स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, ग्रॉसरी। किसी ने कुछ मैसेज किया क्या? एक सेकेंड को मैं फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा चैट। कोई कुछ टाइप कर रहा है क्या टेक्स्ट में? नो सर। अच्छा, यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन, मेरा तो व्हाट्सएप ग्रुपे एसएमएस করা হয়েছে, কিছু নাম লিংক এর কথা জিজ্ঞাসা করছে। নাই, সামওয়ান জয়েন্টস অ্যাড মি। ওই কি হচ্ছে, ঠিক আছে। সো মাল্টিমিডিয়া ইজ অ্যাভেলেবল অল ওভার, ফ্রম হোটেল, ট্রেন স্টেশন, শপিং মল, গ্রোসারি স্টোর্স, হসপিটালস, মাল্টিমিডিয়া ইজ অ্যাভেলেবল অ্যাট স্ট্যান্ড অ্যালোন টার্মিনাল, প্রোভাইডিং ইনফরমেশন টু কাস্টমার্স। সো ক্যা তুমি মেসে কোই এক্সাম্পল দে সকতে হো কি হোটেল ইয়া ট্রেন স্টেশন, শপিং মল ইয়া এনি অফ দ্য প্লেসেস মে মাল্টিমিডিয়া কা ইউজ ক্যাসে হো রা হ্যায়? কোই ভি এক এক্সাম্পল। नहीं देखो, जब जैसे मॉल के अंदर जाते हैं ना, जब मॉल के अंदर जो इंटरेक्टिव, अगर कई मॉल पे है तो मॉल में अगर इंटरेक्टिव टीवी है, ठीक है, तो इंटरेक्टिव टीवी अगर मॉल में ऐसा लगाया हुआ स्पेसिफिकली, जैसे मेट्रो स्टेशन में होता है ना, वो उनका बस एक चैनल है इनकोडा टीवी, वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू वो कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो सिंपली अगर मॉल में अगर हम जाएँ, वहाँ पर अगर किसी टाइप का इंटरेक्टिव टीवी हो, तो मॉल में तो बहुत सारा शॉप्स होता है, और हमें पता नहीं है कौन सा शॉप पे सेल चल रहा है,
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ वो पूरा ओवरऑल शॉप्स में ही सेल होता है, वो एक सीज़न होता है। अपार्ट फ्रॉम सीज़न, जो नॉन सीज़न टाइम है, अगर ठीक है नॉन सीज़न टाइम में हमें हमें एक्चुअली में किसी भी यूज़र को पता नहीं है कि कौन सा कहाँ पे सेल वगैरह चल रहा है। तो अगर मॉल में एक वैसा इंटरेक्टिव टीवी सेटअप कर दिया जाए और वहाँ पे फ्लैश हो, वहाँ पे ये मैसेज फ्लैश हो कि इस पर्टिकुलर शॉप में सेल हो रहा है, सो एक तरीके से इट विल बी हेल्पफुल फॉर द यूज़र या जो कस्टमर है जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर शॉप में फिलहाल सेल चल रही है, और वो ऑटोमेटिकली टाइम वेस्ट ना करते हुए वो डायरेक्ट वहाँ पे चले जा सकते हैं। सो इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से मल्टीमीडिया शॉपिंग मॉल में हेल्प वगैरह कर सकता है। जैसे अगर हॉस्पिटल में, कुछ हॉस्पिटल में जैसे बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो अगर किसी को डायरेक्शन दिखाना है वो ठीक है, कोई एक इंटरेक्टिव टीवी घर लगा हुआ है ठीक है, वहाँ पे वो कुछ डायरेक्शन बता रहा है, नहीं तो वो कुछ जैसे रिसेप्शन के ऊपर मेनली होता है कभी कभार, वो किसी ना किसी एक काइंड का ठीक है ये इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अगर KFC या कोई एक रेस्टोरेंट में जाओगे तो उनका वहाँ पे बहुत सारा टीवीज़ होता है, जैसे वो पिज़्ज़ा हट में, तो वो टीवीज़ में वो अपना ही एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं कि पर्टिकुलर दिस दिस टाइप का ये सब ये फूड फूड टाइप अवेलेबल है, इनका डिफरेंट प्राइसेस है। सो इससे क्या होता है ना, वो जो जो भी वहाँ पे जो शॉप पे जो है और जो कस्टमर है उनके बीच में वो उसको स्क्रीन पे ही सब कुछ दिख जाता है, ये आइटम्स अवेलेबल है, इनका ये प्राइस रेंज है, इसके साथ ये आता है, ये टाइप का है। सो वो ज़्यादा वहाँ पे जो वो जो कम्युनिकेशन का पार्ट है ना वो मिनिमाइज हो जाता है। सो इस तरीके से वहाँ पे टाइम का एक ये रिड्यूस भी हो रहा है, और यूज़र को ऑटोमेटिकली बिना पूछे हुए सब कुछ वहाँ पे डिटेल पता भी चल रहा है ठीक है। सो इस तरीके से मल्टीमीडिया शॉप्स में भी काम होता है। सो होटल में भी इसी तरीके से काम होता है, और होटल में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लाइक सिटी मैप, अगर कोई अच्छा होटल है और कोई वहाँ पे फॉरेनर आया है उसको सिटी के बारे में नहीं पता है, और उसको तो वहाँ पे उसको आसपास का लोकेशन के बारे में जानना है, तो वो इंटरेक्टिव वे में जो होटल है वो दिखा सकता है ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट नियर दिस होटल्स ऐसे करके, या अगर कुछ उसके अगर एयरलाइंस का वो शेड्यूल दिखा सकता है कि ये टाइम पे यहाँ से एयर ये है प्लेन्स वगैरह, या अदर टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, मतलब हम एनी काइंड ऑफ कुछ भी दिखाना चाह रहे हैं बट वो एक स्मार्ट प्रोसेस के जरिए, नॉट थ्रू माउथ बट किसी भी एक टाइप का मीडिया के, या तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है ठीक है, या तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है या ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, बट वो एक इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब टेक्स्ट तो हम कॉपी पे भी लिख सकते हैं ना, बट वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है, तो कोई भी टेक्स्ट होना चाहिए बट वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एक स्क्रीन पे कुछ मैसेजेस फ्लैश हो रहा है तो वो टेक्स्ट फॉर्म में है, बस वो फ्लैश हो रहा है टेक्स्ट फॉर्म में है, तो उसको हम कहेंगे एक मल्टीमीडिया, एक टाइप ऑफ से वो भी मल्टीमीडिया ठीक। नेक्स्ट यूजर्स ऑफ मल्टीमीडिया यहाँ पे हो गया, ये पब्लिक प्लेस, ये बिजनेस, और ये उसके बाद होम में भी हम मल्टीमीडिया का यूज़ कहाँ पे देखते हैं, टीवी में, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, फ़ोन में या यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए, और एनी काइंड ऑफ जो एंटरटेनमेंट पर्पस है वहाँ पे हमारा होम में, मतलब गेम्स, टीवीज, फोन्स और बहुत सारा है, मतलब भरा पड़ा है मल्टीमीडिया का एग्जांपल्स। कहीं से भी जो भी चीज़ हमें इंटरेक्टिव लगता है, जो हम फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते हैं बट वर्चुअली वो प्रेजेंट है, और हम उसको किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे देख रहे हैं, वो सब चीज़ मल्टीमीडिया के अंदर ही आता है ठीक है। मल्टीमीडिया सो मल्टीमीडिया यूजेस एट होम, कहाँ गया, सो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स ऑफ इसका प्रीवियस का पीपीटी तो थोड़ा देखा ही है ना, पीपीटी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ये मल्टीमीडिया यूज एट होम था, यही है प्रीवियस वगैरह, यूज ऑफ मल्टीमीडिया एट होम, ऐसा क्यों हो रहा, अरे अच्छा स्क्रीन, तुम्हारा स्क्रीन ये डिस्टर्ब हो रहा है क्या, हेलो नहीं हो रहा है ना, पता नहीं मेरा यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है,
सो अभी देखो एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। सो मल्टीमीडिया में बेसिकली पांच टाइप का एलिमेंट्स होता है, तो जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन, वीडियो। अभी क्या करेंगे, इन पांचों एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा 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 यहाँ पे उसका ये देखेंगे कि वो एक्चुअली है क्या। ये पांचों चीज़ तो सभी को पता ही है कि होता क्या है, ठीक है, बट फिर भी एक बार रिविजन के बेसिस पे देखेंगे और इन सब से रिलेटेड फाइल फॉर्मेट दे देखेंगे, ठीक है। जो फाइल फॉर्मेट है, कैसे किस चीज़ को कैसे डॉक्यूमेंट पे सेव किया जाता है, वो सब इम्पॉर्टेंट है। सो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स ऑल द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक एनी टाइप ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उन सभी को मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के कहते हैं। सो वो सारा टाइप का जो भी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर टाइप का मल्टीमीडिया ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उन सभी चीज़ को हम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स कहेंगे। तो मल्टीमीडिया का एलिमेंट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट जितना ज़्यादा होगा और जितना प्रॉपर होगा, मल्टीमीडिया दिखने में उतना इंटरेक्टिव लगेगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि बस ऑब्जेक्ट है तो मल्टीमीडिया अच्छा होगा। मल्टीमीडिया किसी भी टाइप का मल्टीमीडिया अच्छा होने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स जो यूज्ड है उसका इंटरेक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, तभी वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है। अगर रैंडमली ऑर्डर में हम बस चीज़ को अरेंज कर दें, यहाँ यहाँ हम बिठा दिए, तो उतना इंटरेक्टिव नहीं होगा। बट वहाँ पे एक हम फ्लो मेंटेन कर रहे हैं कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसा वीडियो कुछ ऐसा आएगा, तब वो यूज़र में एक इंटरेस्ट भी क्रिएट करेगा और यूज़र उसको देखना चाहेगा। इस तरीके से वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को इंटरेक्टिव भी बनाएगा, ठीक है। और ये पांच एलिमेंट है, ये पांच एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया है। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा एक ही बार में, ठीक है। सो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, नेक्स्ट देखते हैं। सो टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट पता है, ऑल मल्टीमीडिया कंटेन सम अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट कैन हैव डिफरेंट शेप, साइज, फॉन्ट। इमेज, इमेज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले एग्जांपल बताया था, सोचो कोई एक कंपनी है, कोई एक कंपनी अपने क्लाइंट को डेटा प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो वो डेटा रिटन फॉर्मेट में देगा वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा कंपेयर टू वो अगर उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में देगा, ठीक है। अगर उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर वो डेटा को प्रेजेंट करता है, वो ज़्यादा ये क्लाइंट के लिए समझना आसान है। अगर वो अपना सेल्स के बारे में दिखा रहा है ना, तो वो अगर टेक्स्ट में लिख रहा है कि 2014 इसका वो ग्रॉस रेवेन्यू इतना हुआ, ठीक है, फिर नेट रेवेन्यू तो इतना प्रॉफिट हुआ, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं लगेगा और उसको समझने में उसको तो वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। बट सेम चीज़ अगर वो क्लाइंट ग्राफिक के फॉर्मेट में देखेगा जहाँ पे ग्राफ्स बना हुआ है, तो वो इजीली समझ में आएगा, ये 2014 था, इतना इनका ग्रॉस था, इनका इतना नेट था, इतना का प्रॉफिट हुआ, इतना ये, ठीक है। सो इमेज, समटाइम्स इमेज इज पावरफुल एज कम्पेयर टू टेक्स्ट, क्योंकि इससे डेटा को समझना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, और ये बहुत सारा डिटेल भी देता है। इमेज एक सिंगल टेक्स्ट में लिखना होगा तो बहुत सारा क्वांटिटीज़ में लिखना होगा, बहुत कुछ लिखना होगा, वेदर एक सिंगल इमेज में बहुत कुछ उसमें अंदर फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इमेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मल्टीमीडिया का। साउंड, साउंड साउंड तो बिना साउंड के तो अगर मल्टीमीडिया विदाउट साउंड इज़ मीनिंगलेस, क्योंकि इसमें तो समझ में तो कुछ आएगा नहीं ना। मल्टीमीडिया अगर बिना साउंड का हुआ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो साउंड इज़ also an important component of multimedia. It is a meaningful speech in any language. Sound is a तो ये एक extra information है, sound is a form of energy which propagate in form of wave, ठीक है। ये multimedia से related नहीं है ये वाला line, but ये just एक information है, sound is a form of energy which propagate in form of wave. Next, animation. Animation makes static होगा, ठीक है, static presentation alive. इट इज़ अ काइंड ऑफ विजुअल चेंज ओवर टाइम। सो एनिमेशन क्या है? एनिमेशन है कि विजुअल्स, जब इमेजेस टाइम के रेस्पेक्ट में, लाइक हर एक सेकेंड में वहाँ पे कुछ मोशन हो रहा है इमेजेस में, एनिमेशन या वीडियो की क्या होता है, वो सब वो स्टिल इमेजेस का एक ग्रुप सी तो होता है जो सेकेंड पर सेकेंड चेंज होते रहता है, ठीक है, उसी चीज़ को हम एनिमेशन कहते हैं। तो एनिमेशन जो है वो एनिमेशन ये बेसिकली स्टैटिक प्रेजेंटेशन को अलाइव कर देता है। जैसे यहाँ पे कुछ स्टैटिक प्रेजेंटेशन था, जैसे यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये जो ऑडियो वगैरह जो आइकन है यहाँ पे देखो, ये आ रहा है ना ऐसे,
कुछ साउंड जैसा कुछ आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो ये, यस ठीक है। सो ये एक टाइप का एनिमेशन कि वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ये किसी एक टाइप का मोशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो एनिमेशन से हम एनिमेशन बस बेसिकली वहाँ पे मोशन ऐड करने का काम आता है टू स्टिल इमेज। अगर स्टैटिक है, अगर हमको उसको डायनेमिक बनाना है, डायनेमिक यानी मूविंग बनाना है, ठीक है, तो मूविंग बनाने के लिए एनिमेशन का यूज़ होता है, और इसे बहुत इंटरेक्टिव भी लगता है। वीडियो, वीडियो इट इज़ अ कैप इट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग मूविंग पिक्चर्स। तो वीडियो इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, वो हर एक टाइम फ्रेम पे, ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम का वो स्टिल इमेज है। और अगर उसको सारा स्टिल इमेजेस को अगर इकट्ठा वहाँ पे ऐड अप कर दिया जाए तो वो एक वीडियो हो जाता है, ठीक है। सो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन, वीडियो, दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी मीडिया। मल्टी मीडिया विदाउट देम इज नॉट, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। इसके अलावा बहुत सारा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और बहुत सारा भी मल्टी मीडिया का एलिमेंट्स हो सकता है जो उसमें इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल फॉर्मेट ऑफ मल्टी मीडिया। सो जैसे यहाँ हमने यहाँ पे देखा कि मल्टी मीडिया का बेसिकली पांच पांच यहाँ पे उसका कंपोनेंट होता है, ठीक, जो कि पांच कंपोनेंट है, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन, वीडियो, ठीक। अभी इन सभी का कुछ ना कुछ फाइल फॉर्मेट होता है। फाइल फॉर्मेट यानी वो जो एक्सटेंशन, ठीक है, फाइल फॉर्मेट बेसिकली वो एक्सटेंशन होता है जिस एक्सटेंशन से हम किसी फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। सो फाइल फॉर्मेट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनकोडेड इन अ कंप्यूटर फाइल। फाइल फॉर्मेट आर डिजाइंड टू स्टोर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज जेपेग एंड TIFF फॉर इमेज डेटा, एडोब इलस्ट्रेटेड फॉर वेक्टर डेटा, PDF फॉर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं, ये फाइल फॉर्मेट है, ये अगर तुम सब तो जानते हो, ये .docx, ठीक है, .pdf, .png, तो ये सब ही है फाइल फॉर्मेट, .mp3, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का फाइल फॉर्मेट्स है। एंड फाइल फॉर्मेट एक स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और एनकोडेड इन अ कंप्यूटर फाइल। सो हम जो ऑडियो फॉर कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी, ठीक है, कंप्यूटर या तो वो जीरो समझता है या वन। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली दिस, जीरो या वन। सो ये क्या करता है ना, ये जैसे ये सब एक्सटेंशन लगाते हैं, वो जो पर्टिकुलर फाइल है उसको जो जो ये जो, ठीक है, जो भी एनकोडेड सॉफ्टवेयर होता है वो उसको एनकोड कर देता है इन द फॉर्म्स ऑफ जीरो एंड वन। अब एनकोडिंग का भी एक स्ट्रक्चर होता है कि कितना सारा जीरो कहाँ पे होगा, कितना सारा वन कहाँ पे होगा, कैसे, और वो सॉफ्टवेयर में भी वो इनपुट किया जाता है कि जैसे अगर सॉफ्टवेयर में उसको प्ले किया जाता है ना, तो वो इजीली उस एनकोड को क्रैक कर देता है एंड ऑटोमेटिकली वो वॉइस या जो भी इनपुट होता है, जो भी फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से वो अपना आउटपुट प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। सो एनकोडिंग का काम भी उसी सॉफ्टवेयर का ही है कि कैसे इसको एनकोड किया जाए, कि ये जीरो जीरो ये जीरो वन को कैसे बिठाया जाए कि ये एक डॉक्स फाइल में जो भी सारा टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट करे, या जीरो वन को कैसे ऐसा स्ट्रक्चर में बिठाया जाए कि वहाँ पे जो भी वहाँ पे डेटा है उसको PDF में वो हो जाए, या PNG में हो जाए, या MP3 में हो जाए, ठीक है। सो ये सब इम्पॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं। अभी एक एक करके देखेंगे और क्या क्या है यहाँ पे, और क्या है। फाइल फॉर्मेट आर डिजाइन टू स्टोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज JPEG एंड TIFF। तो देखो, अगर जैसे इमेज है ना, इमेज इमेज के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ है, सेम अप्लाइज फॉर वीडियो, सेम अप्लाइज फॉर, ठीक है, वीडियो, वीडियो इमेजेस एंड म्यूजिक। सो म्यूजिक का एक्सटेंशन से कभी हम वीडियो नहीं सेव कर सकते हैं, इमेजेस का एक्सटेंशन से कभी वीडियो नहीं सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों के साथ इंटरग्रेटेड नहीं कर सकते हैं, ठीक, दोनों के साथ इंटरग्रेटेड नहीं करते। सेव हो जाएगा,
ऐसा बात नहीं है कि सेव नहीं होगा, सेव हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई सोचो MP3 फाइल को डॉट, ठीक है, MP3 फाइल को डॉट TXT करें ना, कोई एक MP3 फाइल है, MP3 फाइल यानी वो एक म्यूजिक फाइल है, उसको अगर हम करें कि 1.txt, वो ऑडियो है, अगर उसका नाम हम ऐसे फोर्सफुली अगर हम चेंज करें 1.txt, ये सिंपली नोट पैड में ओपन हो जाएगा और कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा लाइन, कुछ ना कुछ वहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। अगर हम 1.txt, अगर हम MP3 1.mp3 है, 1.mp3 को अगर 1.txt कर देंगे, सो ये जो ऑडियो था, जैसे हम 1.txt को ओपन करेंगे तो यहाँ से कुछ ऑडियो नहीं आएगा, ये नोट पैड में ओपन होगा, जो TXT फाइल बेसिकली नोट पैड में ओपन होता है, नोट पैड में ओपन होगा और वहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, बस सिंपल यही बात है। तो कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन के हिसाब से डिसाइड करता है कि ये फाइल को कौन से सॉफ्टवेयर के साथ ओपन करना है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता अंदर में क्या है, वो बेसिकली एक्सटेंशन देखता है। जैसे PDF है ना, तो वो पर्टिकुलर जो भी PDF, जो भी सॉफ्टवेयर तुम्हारा PDF सपोर्ट करता है, वो इसके उसके थ्रू ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। PDF है तो वो कभी, ठीक है, वो कभी नोट पैड से ओपन नहीं होगा, क्योंकि नोट पैड उसको सपोर्ट नहीं करता है, नोट पैड में सिर्फ टेक्स्ट लिखा जाता है। तो कंप्यूटर उस हिसाब से अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये अगर एक टाइप का फाइल है, वो एक्सटेंशन देखता है, एंड एक्सटेंशन के रेस्पेक्ट में वो उस सॉफ्टवेयर को पिक करता है जो उस एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है, एंड सिंपली वो फाइल हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर, तो यहाँ पे और एक यहाँ पे है, ये AI का मतलब होता है, AI का मतलब तो वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एक, और AI का एक और यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर फॉर वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा भी क्या होता है, PDF तो वेक्टर डेटा क्या होता है, जैसे देखो ये हो गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हो गया ना, वेक्टर जो टर्म है ना, वेक्टर, ये जो वेक्टर टर्म है ये बेसिकली पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन, वेक्टर्स, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है स्पेस में, पोजीशन इन स्पेस, पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन इन स्पेस, स्पेस इन द सेंस 3D, 3D में अगर हम ऐसे बनाए, अगर हम तीन ये एक्सिस बनाते हैं, तो ये जो 3D जो व्यू देखता है ना, ये 3D व्यू में ये वेक्टर किसी एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए इसको वेक्टर डेटा कहा जाता है। अब वेक्टर डेटा का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे मैप्स हो गया, मैप्स में क्या होता है, मैप में अगर हमको किसी ये लोकेशन पे जाना है, तो वहाँ का एड्रेस अगर पता नहीं है और हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कहीं ना कहीं ये लैटिट्यूड, ठीक है, ये लैटिट्यूड अगर ऐसा है, लॉन्गिट्यूड अगर ऐसा है, और हमको इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, हमको इस पॉइंट पे जाना है, तो हम देखेंगे कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसका ये क्या है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो इस पॉइंट पे, तो ऐसा टाइप का डेटा अगर स्टोर करना है ना, कि ये यहाँ पे बेसिकली ये सब क्या है, ये सब पोजीशन है, तो जब पोजीशन किसी टाइप का स्टोर किया जाता है, या मैप्स के, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैप्स ही है, तो उसको हम वेक्टर डेटा कहते हैं। और PDF तो पता ही है आप सभी, PDF की मतलब ऐसा फॉर्मेट है, देखेंगे अभी एक एक के आगे, ठीक है। तो ये हो गया फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट बेसिकली ये है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम यूज बाय कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग डिफरेंट फाइल्स, ठीक है, और वो भी एक एनकोडेड वे में विद द, ठीक है, एंड ये कैसे होता है, फाइल एक्सटेंशन के थ्रू। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल फॉर्मेट देखते हैं, फाइल फॉर्मेट में सबसे पहला जो फाइल फॉर्मेट है टेक्स्ट। सो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, जहाँ पे टेक्स्ट वगैरह है ना, तो सब में मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है, ये सब टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये सब टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट है वो है TXT, एंड सेकेंड है PDF। सो TXT क्या होता है, अगर कोई एक फाइल है, ठीक है, कोई एक फाइल है, जैसे सोचो स्टार्ट, यहाँ पे ऐसा एक फाइल है start.txt, ये फाइल है start.pdf, और एक है stop.txt एंड stop.txt, ठीक है। सो समझते हैं ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
सबसे पहले ये समझ गए थे टीएक्सटी। तो टेक्स्ट टीएक्सटी यानी टेक्स्ट। सो टेक्स्ट फाइल इज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स प्लेन टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट फाइल में बस एक प्लेन टेक्स्ट होता है। इट कैन बी ओपेंड एडिटेड इन एनी टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, जैसे कि नोट पैड हो गया, एप्पल का टेक्स्ट एडिट हो गया, नोट्स हो गया। सो टेक्स्ट फाइल वो ये टेक्स्ट फाइल जहाँ पे अगर सिर्फ हमको प्लेन टेक्स्ट चाहिए, प्लेन टेक्स्ट अगर हमको चाहिए तो वहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल का यूज़ करते हैं। तो और टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम्स अगर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मतलब जो टेक्स्ट फाइल है ना, कि मतलब ये कौन सा सॉफ्टवेयर से ओपन होता है। तो वहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल विंडोज़ का ही आता है। सो विंडोज़ में ये बेसिकली नोट पैड पर ओपन होता है, ठीक है। जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट फाइल अगर है, अगर उसको ओपन कर तो वो बेसिकली विंडोज़ में ओपन होता है, कोई सा भी अगर टेक्स्ट फाइल है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पीडीएफ, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट है एक। पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये ठीक है। ये सब जहाँ जहाँ फुल फॉर्म है उन सब चीज़ का फुल फॉर्म होता है, और एक दो में नहीं होगा तो उनका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। सो पीडीएफ बेसिकली स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ का रिक्वायरमेंट क्या है? पीडीएफ में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वीडियो नहीं, वहाँ पे टेक्स्ट इमेजेस अगर ऐसा कोई फाइल है तो हम उसको वीडियो में, ठीक है। तो अगर पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी बेसिकली जो टेक्स्ट, कोई भी अगर टेक्स्ट रिलेटेड स्टफ है, टेक्स्ट रिलेटेड अगर स्टफ है तो उसको पीडीएफ में स्टोर किया जा सकता है, पीडीएफ एक्सटेंशन के थ्रू उसको सेव किया जा सकता है। अभी पीडीएफ का मेन एडवांटेज क्या है टेक्स्ट के कंपैरिजन, कि हमको टेक्स्ट क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, पीडीएफ क्यों यूज़ करना चाहिए? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट ऑलवेज, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड यूज़ पीडीएफ एंड नॉट टीएक्सटी। सो पीडीएफ बेसिकली क्या करता है, अगर जैसे मान लो तुम एक यूज़र हो, ठीक है, तुम एक यूज़र हो, तुम यहाँ पे एक यूज़र ए हो, तुमसे किसी ने कुछ फाइल्स मांगा, वो यूज़र बी, इसने तुमसे कुछ फाइल मांगा। अभी तुम ए बी को जान, तुम यूज़र ए यूज़र बी को जानता नहीं है, ठीक है। तो यूज़र ए को, बट यूज़र ए को पता है कि ये फाइल उसको बी को चाहिए तो उसको भेजना होगा, बट ए बी एक दूसरे से ऐसे जानता नहीं है, और ए नहीं चाहता है कि वो भी जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट ए के पास है वो अगर बी को भेजे तो उसमें वो किसी टाइप का चेंजेस करे, ठीक है, उसमें वो किसी टाइप का चेंजेस करे, तो वो उसको क्या करेगा, उसको वो पीडीएफ फॉर्मेट में भेजेगा। तो पीडीएफ फॉर्मेट में भेजने से क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट एज इट इज़ रहेगा, बट वो उसको एडिट नहीं कर सकता है, बट उसको वो प्रिंट यू, ठीक है, उसको रीड कर सकता है, उसमें वो राइट नहीं कर सकता है, ना उसको एडिट कर सकता है, उसको वो प्रिंट कर सकता है। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ ऐसा डिवाइसेस, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को बाईपास कर देता है, वो एक अलग बात है, बट पीडीएफ बेसिकली इसी काम के लिए बनाया गया था। अगर हमें डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करना है, और हम नहीं चाहते कि सामने वाला उसमें किसी टाइप से चेंजेस कर सके, तब हम पीडीएफ फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। अभी सॉफ्टवेयर आ रहा है, लोग को नीड है कि वो पीडीएफ को डॉक में चेंज करके ताकि एडिट कर सके, वो बेसिकली पीडीएफ का जो भी एनकोडिंग सिस्टम है उसको बाईपास करके होता है, वो एक अलग बात है कि कैसे वो बाईपास कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो किसी टाइप का प्रोग्रामिंग यूज़ करते होंगे जिस वजह से वो पीडीएफ फॉर्मेट को बाईपास कर देते हैं और उसको प्रॉपरली डॉक्स में चेंज कर देते हैं। बट मेनली पीडीएफ का काम यही है कि पीडीएफ अगर डॉक्यूमेंट शेयर करना है और उसमें किसी टाइप का चेंज नहीं चाहिए तब हम पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, start.txt, start.pdf, stop.txt और stop.txt। इधर फाइल नेम सब में सेम है, सब में डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे एक्सटेंशन में डिफरेंस है और यहाँ पे एक्सटेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो, ये कंप्यूटर में एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है इन द सेंस कि start.txt और start.pdf, अगर तुमने एक फाइल लिखा जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में और उसको start.txt नाम से सेव किया तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है, और तुमने और एक फाइल लिखा
जो कि उसका नेम सेम है स्टार्ट, बट तुमने उसको डॉट पीडीएफ किया तो वो भी सेव हो जाएगा बिना कोई वार्निंग या मैसेज के थ्रू, ठीक है। बट जैसे ही तुम स्टॉप डॉट टीएक्सटी एक बार तुमने सेव किया, ठीक है, और जैसे ही सेकेंड टाइम भी तुम स्टॉप डॉट टीएक्सटी सेव करने जाओगे ना, वहाँ पे एक मतलब मैसेज ये होगा कंप्यूटर पे स्क्रीन पे, एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि स्टॉप डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस द फाइल, ऐसा कुछ करके मैसेज आता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट तो डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस द फाइल, ठीक है, और मेक चेंजेस टू द सेम फाइल, ऐसा कुछ आता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि कंप्यूटर को पता है कि कंप्यूटर बेसिकली इस नेम से नहीं जा रहा है, वो इस एक्सटेंशन से जा रहा है, वो एक्सटेंशन से डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे अगर चार फाइल है, ठीक है, अगर उसके पास चार फाइल सेम नेम का है, उसके पास वन डॉट एम पी थ्री, वन डॉट पी डी एफ, वन डॉट डी ओ सी, ठीक है, और एक है वन डॉट टी एक्स टी, तो ये हो गया चार फाइल हो गया। अभी আজ থেকে ভাবছি আমি ডায়েট শুরু করব। সরি, হ্যালো, কেউ কিছু ভুললে? ঠিক আছে, সো ওয়ান ডট এমপি থ্রি, ওয়ান ডট পিডিএফ, ওয়ান ডট ডিওসি এক্স, ঠিক, অ্যান্ড ওয়ান ডট টিএক্সটি। সো ইয়ে হো গিয়া ফাইল নেম, ইয়ে সব ওয়ান, আর ইয়ে হো গিয়া উসকা ফরম্যাট। ইয়ে চারো ফাইল जैसे तुम पीसी में सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है, ये सेव हो जाएगा, किसी टाइप का मैसेज नहीं आएगा कि दिस वन फाइल विथ नेम वन ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस और कंटिन्यू, या ये सेव कुछ नहीं आएगा, किसी भी टाइप का मैसेज नहीं आएगा, नॉर्मली जैसा है वैसा सेव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से बेसिकली हम क्या समझ पा रहे हैं, जो पीसी है वो बेसिकली एक्सटेंशन, जो फाइल एक्सटेंशन होता है या फाइल फॉर्मेट होता है, ये जो फाइल फॉर्मेट होता है ये देख के वो फाइल को डिफरेंस क्रिएट करता है, ना कि उसका नेम देख के। अगर सेम फॉर्मेट में है तब वो नेम दे देखता है। अगर जैसे हमारे पास वन डॉट एम पी थ्री है और हमको और एक फाइल स्टोर करना है, वो भी एम पी थ्री फॉर्मेट में है, तो हम उसको टू डॉट एम पी थ्री से सेव करेंगे। जब हमको सेम फॉर्मेट में बहुत सारा फाइल स्टोर करना है, तब हमको हर एक फाइल का नेम चेंज करना होगा ताकि उसको समझ में आए, ताकि वो डिफरेंस क्रिएट कर सके कि यूज़र वन डॉट एम पी थ्री ओपन करना चाहता है या टू डॉट एम पी थ्री। बट हम क्या कर सकते, हम ये भी कर सकते हैं, हम सेम फाइल नेम से हम डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को सेव भी कर सकते हैं। और अगर फॉर्मेट अगर हमको सेम रखना है तब हमको फाइल नेम डिफरेंट रखना होगा इन दैट केस। तो ये तो सेम फॉर अगर फॉर्मेट सेम हुआ तब फाइल नेम चेंज होगा, और अगर फॉर्मेट डिफरेंट हुआ और फाइल नेम अगर सबका सेम रहा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वन डॉट एम पी थ्री ये वी एल सी प्लेयर या जो भी ऑडियो प्लेयर होगा वहाँ पे ओपन हो जाएगा। वन डॉट पी डी एफ जो भी पी डी एफ, ठीक है, पी डी एफ रीडेबल होगा, एडोब रीडर, वहाँ पे ओपन हो जाएगा। वन डॉट डी ओ सी ये यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। वन डॉट टी एक्स टी नोट पैड में ओपन हो जाएगा। तो चारों फाइल का नेम सेम है और एक्सटेंशन अलग है, तो वो रेस्पेक्टिवली अपना अपना सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट ये हो गया। अभी और हमारे पास क्या है टेक्स्ट में, ठीक है, और ये हमारे पास और है डॉट डी ओ सी और डॉट आर टी एफ। सो दीज आर ऑल्सो टेक्स्ट फॉर्मेट इन दीज आर ऑल्सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मल्टी मीडिया डॉट डी ओ सी डॉट डी ओ एक्स। सो डॉक फाइल इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। सो डॉक फाइल अगर ऐसा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि या मतलब नेम द फाइल एक्सटेंशन यूज टू सेव एम एस वर्ड एम या डॉक्यूमेंट फाइल या एम एस वर्ड फाइल, और उसका उसका आंसर होगा ये। और ऑप्शन में अगर ऐसा है, यहाँ पे देखो ये ए है, यहाँ पे डी ओ सी है, डी ओ सी एक्स है, और ऑप्शन बी डॉट डी ओ सी एक्स है, सी में डॉट
पीडीएफ है और डी में डॉट डॉट MP3 है। सो डॉट MP3 तो नहीं है और डॉट PDF भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि नेम द फाइल फॉर्मेट, ठीक है, विच एमएस वर्ड यूजेस टू सेव इट्स डॉक्यूमेंट। ठीक, तो तुमको पता है कि PDF और MP3 तो नहीं है। PDF एक दूसरा फॉर्मेट है जो कि मतलब डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के लिए नहीं होता है, और MP3 ये तो म्यूजिक का हो गया। ये होता है नाम होता है, ये दोनों सेम नेम है। यहाँ पे एक अंतर बस डॉट का है। तो जो मोर करेक्ट ऑप्शन है ना वो ये वाला है, ठीक है, दिस इज मोर करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जब हम फाइल नेम सेव करते हैं, जैसे अगर तुमको सेव करना है तो देखो वहां से ऐसे सेव करें कि S1 ये फाइल नेम हो गया, फाइल नेम तो बस इतना ही है, डॉट DOCX। सो डॉट कैरीज अ इम्पोर्टेंस। अगर कहीं पे भी फाइल फॉर्मेट पूछा जाए कि विच ऑफ द फाइल फॉर्मेट इज विच ऑफ द फाइल फॉर्मेट इज करेक्ट, ठीक है, या ऐसा पूछा जाए कि वर्ड फाइल कौन से एक्सटेंशन से सेव होता है, और ऑप्शन में है DOC है और DOCX है और डॉट DOCX है, सो ऑलवेज गो विथ डॉट वाला एग्जाम्पल। जो डॉट वाला जो ऑप्शन है वो टेक्निकली करेक्ट है एंड एक्चुअली भी वही वाला है करेक्ट, क्योंकि डॉट के साथ फॉर्मेट को प्रेजेंट किया जाता है। डॉट फॉर्मेट के साथ आता है, वो फाइल नेम के साथ नहीं आता है, डॉट फॉर्मेट के साथ आता है। उससे समझ में ये आ जाता है कि यहाँ पे एक सेपरेशन है, कि डॉट से पहले जो चीज़ है वो फाइल नेम हो गया एंड डॉट के बाद जो चीज़ है वो उसका एक्सटेंशन हो गया। तो इससे PC समझ जाता है कि फाइल नेम क्या है और एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। सो डॉट कैरीज अ इंपॉर्टेंस इन ऑल ऑल फाइल फॉर्मेट। सो जितना भी फाइल फॉर्मेट है सब में सामने डॉट होता है, डॉट PNG, डॉट JPG, ये सब सबके सामने डॉट होना चाहिए, तभी वो वैलिड है, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास एक है RTF, जो कि यूज तो नहीं होता, इसका फुल फॉर्म बस ऐसा होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इट इज यूज फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का मतलब ये है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया था। जैसे यहाँ पे देखो ये MS ऑफिस है, ये है ऑफिस, ये ऑफिस हो गया, ये सब, ठीक है, ये सब MS का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, MS का सॉफ्टवेयर है। ये ऑफिस हो गया, ये PPT हो गया, ठीक है, और ये MS एक्सेस हो गया, और यहाँ पे एक फाइल है जो है RTF फॉर्मेट का, ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि ये सब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टेक्स्ट फॉर्मेट है सब, ठीक है, यहाँ पे एक RTF फाइल है, ये हो गया टेक्स्ट। सो RTF फॉर्मेट में अगर तुम किसी चीज को सेव करोगे तो क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, इस RTF को तुम इस RTF को तुम, ठीक है, इस RTF को तुम यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हो, इसमें भी इंसर्ट कर सकते हो, एंड ये जो ऑफिस है, ऑफिस वाला फाइल है, इसमें भी इंसर्ट कर सकते हो। ये हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी एक प्लेटफॉर्म प्रेजेंट है और हम उस चीज को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हैं, तब उसको कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्योंकि हमें पता है जो डॉक फाइल है, अगर ठीक है ऑफिस का, अगर मेरे कंप्यूटर में ऑफिस छोड़कर अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करने का सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट ऑफिस में ही ओपन होगा, वो PPT वो पावर पॉइंट से तो ओपन होगा नहीं। बट RTF एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है, ऐसा टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट एक्सचेंज में हेल्प करता है। लाइक उस डॉक्यूमेंट को तुम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेव, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ओपन कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म है वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करता है। अभी ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे पास ऑफिस, ये MS ऑफिस है, ये जो तीनों सॉफ्टवेयर है ये हम कह रहे हैं MS का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ऐसा नहीं है अगर RTF का फाइल ये माइक्रोसॉफ्ट में ये बनाया था, ऑब्वियसली अपने सिस्टम पे वो एक्सचेंज करने के काम आता। अभी ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास एक एप्पल का PC है, ठीक है, ये मैक है, ये MS है, और ये एक MS का RTF फाइल है,
ठीक है। और ये भी ये मैक का वर्ड फाइल है, एमएस ऑफिस है, सोचो मैक में होता होगा। एंड ये तो ये इस पे रन करेगा बट ये इस पे रन नहीं करेगा, ठीक है। जो तो क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सचेंज है, प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए, सब माइक्रोसॉफ्ट का वहाँ पे अगर सारा सॉफ्टवेयर है तभी वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सचेंज कर सकेगा, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं कर सकेगा। तो ये हो गया आरटीएफ। आरटीएफ अभी उतना यूज़ तो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर एक तो अलग बार एक्सप्लेन करो ना। ओके आरटीएफ। यस सर। अच्छा ठीक है, आरटीएफ। आरटीएफ माने होच्छे रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट एट अ फुल फ्रॉम, इट वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एंड मेन यूज था इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट एक्सचेंज यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट एक्सचेंजर मानेटा होच्छे, देखो एखाने एमएस অফিস আছে, এমএস অফিস, ঠিক আছে, মানে এমএস মাইক্রোসফটের আমার কাছে তিনটে সফটওয়্যার আছে, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, এটা হয়ে গেল অফিস, ঠিক ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল অফিস, এটা হয়ে গেল পাওয়ার পয়েন্ট পিপিটি, অ্যান্ড এটা হয়ে গেল এমএস অ্যাক্সেস। আর এইটা আমার কাছে হলো একটা আরটিএফ ফাইল, টেক্সট আছে এটাতে কিছু, ঠিক আছে, আরটিএফ হলো একটা টেক্সট ফাইল। তো যেহেতু এই তিনটে যে সফটওয়্যার, এই যে তিনটে সফটওয়্যার, এই তিনটে সফটওয়্যার, এটাও এটাও একটা সফটওয়্যার বাট এটা আরটিএফ ফাইল। আরটিএফ ফাইল ওয়াজ বেসিক্যালি ডেভেলপড বাই মাইক্রোসফট। সো এই তিনটেই হচ্ছে, ঠিক আছে, এই তিন, দিস অল থ্রি বিলংস টু মাইক্রোসফট। সো মাইক্রোসফট এরম একটা সফটওয়্যার ডিজাইন করেছে, এরম একটা ফরম্যাট ওরা তৈরি করেছে আরটিএফ বলে, যে তুমি যদি আরটিএফে যদি কোনো টেক্সট লেখো, ঠিক আছে, আর ওইটাকে আরটিএফ এক্সটেনশনের সাথে সেভ করো, দেন তুমি ওই আরটিএফটাকে এইখানেও ইউজ করতে পারবে, এইখানেও ইউজ করতে পারবে, এইখানেও ইউজ করতে পারবে। আমরা যেমন দেখেছি কি MP3-কে আমরা পিপিটিতে বা ডকে আমরা খুলবো তো দেন ওটা কাজ করবে না, বাট আরটিপি ক্ষেত্রে এটা নয়। আরটিপি মানে এটা এমন একটা রিচ টেক্সট ফাইল ফরম্যাট মাইক্রোসফট ডিজাইন করেছে কি ওদের প্ল্যাটফর্মে, ওদের প্ল্যাটফর্মে তুমি যেই কোনো যেখানে টেক্সট সাপোর্ট নেয়, মাইক্রোসফটের প্ল্যাটফর্মে যেটাতে টেক্সট সাপোর্ট নেয় ওইটাতে তুমি আরটিএফ ফাইল, তুমি ও ওদের যেই কোনো সফটওয়্যারে আরটিএফ ফাইলটাকে ওপেন করতে পারবে, অ্যান্ড আউটপুটটা অ্যাজ ইট ইজ দেবে। অরিজিনাল ফাইল যা আউটপুট দিচ্ছিল অফিসেও, যদি এই আরটিএফটাকে তুমি যদি অফিস ওপেন উইথ বলে একটা অপশান আছে না, ওপেন উইথ, ঠিক আছে, ওপেন উইথ, তো আরটিএফটাকে যদি ওপেন উইথ অফিস করো সেম টেক্সটই ডিসপ্লে হবে, পিপিটি দিয়ে ওপেন করো সেম টেক্সট ডিসপ্লে হবে, অ্যান্ড অ্যাক্সেস দিয়ে ওপেন করলে সেম টেক্সট ডিসপ্লে হবে। এইটাই হলো ক্রস প্ল্যাটফর্ম, ঠিক আছে। আর আর মানে প্ল্যাটফর্মটাকে সিঙ্গল কোম্পানি হতে হবে। যদি আমি ধরো এখানে আমার কাছে একটা ম্যাক ওএস আছে আর এখানে এমন একটা সফটওয়্যার আছে যেটা ম্যাক রিলেটেড, ওটাও একটা অফিসের মতোই বাট ওটা ম্যাকেই রান করে, দেন আমি আরটিএফটাকে ওইখানে ইউজ করতে পারবো না। ওইটাকে আরটিএফ যদি আমি অন্য সফটওয়্যারে, অন্য অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারে ইউজ করতে চাই, দেন ইট হ্যাজ টু বি ফ্রম মাইক্রোসফট, ঠিক আছে। মাইক্রোসফটের যদি কোনো সফটওয়্যার হয় যেটা টেক্সট সাপোর্ট নেয় ওইখানে আমি আরটিএফটাকে অ্যাজ ইট ইজ ইউজ করতে পারবো, আরটিএফটাকে ওপেন করে অ্যাজ ইট ইজ আমি আউটপুটটা পাবো যেটা আমি অরিজিনাল ডকুমেন্টে পাচ্ছি, ঠিক আছে। এবারে কোনো ডাউট আছে এটা? ওকে ঠিক আছে, ওকে। সো নেক্সট আমার কাছে হচ্ছে ফাইল ফাইল ফরম্যাট, টেক্সট ফাইল ফরম্যাট, এটা আরও দুটো টেক্সট ফাইল ফরম্যাট, HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML basically stands for Hypertext Markup Language. So, এটা হচ্ছে HTML full form, Hypertext Markup Language. It is used for static web page creation. Static web page. ঠিক আছে, যে HTML যে ইউজ হয় ওটা static web page generate করার জন্য ইউজ হয়। অ্যান্ড ইট ইজ অলসো ইউজড উইথ জেএস, যেটাকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট বলি, অ্যান্ড সিএসএস কাস্কেটিং স্টাইল শিটস টু মেক আ ওয়েব পেজ মোর ইন্টারঅ্যাক্টিভ, ঠিক আছে। তোমরা হয়তো এইভাবে দেখেছো কিছু একটা অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটে এইভাবে কি ডক টাইপ,
HTML হেড হেড টাইটেল ঠিক আছে, এইটা এই টিআইটিএজি ঠিক আছে, এগুলোকে আমরা ট্যাগ বলি। এরকম HTML ফাইল কিছু এই ধরনেরই দেখতে হয়, ওইখানে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট থাকে অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটে কিছু একটা ট্যাগস লেখা থাকে, ওইটা আমাকে কিছু একটা আউটপুট প্রেজেন্ট করে দেয় যেটা ওয়েব অন আ ওয়েব ওটা ভিজিবল হয়। ঠিক আছে, যদি আমি ওয়েব মানে ওয়েব ঠিক আছে, আমি আমি যদি কোনো টেক্সটকে আমি যদি কোনো টেক্সটকে ওয়েবে আমি ওটাকে ভিজিবল বানাতে চাই, দেন আমাকে ওটা HTML ফরম্যাটে লিখতে হবে। HTML ফরম্যাটে যেমন এই ধরনের অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট দিয়ে লিখতে হবে, অ্যান্ড যে এক্সটেনশনটা হচ্ছে HTML ফাইল ওটা হচ্ছে HTML .html বা .htm, এই দুটোই ভ্যালিড। ঠিক আছে, .html ইজ অলসো করেক্ট, .htm ইজ অলসো করেক্ট, এরম এই দুটো এক্সটেনশনের সাথে সেভ আমরা যদি ফাইল করি, দেন ওই ফাইলটা ক্রোম দিয়ে ওপেন হবে। তুমি যদি ক্রোম থেকে ওপেন হবে, বাট তোমাকে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা, এটাও এক ধরনের তুমি প্রোগ্রামিং, অ্যাকচুয়ালি এটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না, এটা মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট তুমি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতো ভাবতে পারো, যে এখানে কিছু একটা লিখলে এখানে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট দিয়ে কিছু একটা তুমি কোড, এটাও জিনিসটা একটু কোডিংয়ের মতো, এখানে তুমি একটা কিছু কোডিংয়ের মতো কিছু লিখলে দেন ওইটা তোমার ক্রোমে ওপেন হবে, অ্যান্ড ক্রোমে তোমাকে ওই যে যা জিনিস তুমি লিখবে ইনপুট ওইটা অ্যাজ ইট ইজ আউটপুট তোমার চলে আসবে। ঠিক আছে, এটা হলো HTML। আর HTML ইজ ইউজড উইথ জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ জেএসকে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট বলি, দেন জেএসের ইউজটা হচ্ছে জেএস জিনিসটা জাভাস্ক্রিপ্ট যে স্ট্যাটিক ওয়েব পেজ আমরা HTML থেকে ক্রিয়েট করি, আমরা এটাকে ডাইনামিক বানাতে চাই, যখন আমরা ডাইনামিক বানাতে চাই ওইখানে জেএস চলে আসে। আমি যদি স্ট্যাটিক পেজের উপরে জেএস কোড ঠিক আছে, এখানে যদি আমি জেএস কোড লিখি দেন ওটা ডাইনামিক পেজে চেঞ্জ হয়ে যাবে। ডাইনামিক ওয়েব পেজ মানে এই দেখো, তুমি ধরো ইউজার আইডি দিলে ঠিক আছে, এখানে তোমার ফেসবুকে এ আছে, এখানে তুমি ইউজার আইডি দিলে, এখানে তুমি পাসওয়ার্ড দিলে, এখানে তুমি করবে লগ ইন ঠিক আছে, এই লগ ইন করার পরে তোমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা ওপেন হয়। এই ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা ওপেন হওয়ার আগে কী হয়, তুমি ওটাকে ভেরিফাই করা হয় যে তুমি আইডি পাসওয়ার্ড দিয়েছো ওই দুটো ঠিক কি না। ঠিক আছে, তো এইখান থেকে রেসপন্স একটা, এইখানে একটা রিকোয়েস্ট একটা ক্রিয়েট হয়, ওটা সার্ভারে যায়, সার্ভার ওটাকে ভেরিফাই করে অ্যান্ড একটা রেসপন্স পাঠায়। ঠিক আছে, দেন ওটা এখানে তোমার ওয়েব পেজটা লোড হয়ে আসে। সো এই যে এখান থেকে রিকোয়েস্ট গেল আর সার্ভার থেকে একটা রেসপন্স আসলো, এটা একটা ডাইনামিক জিনিস। ঠিক আছে, মানে সার্ভারের সাথে আমি যখন কিছু একটাকে কানেক্ট করছি না, মানে একটা স্ট্যাটিক থিংসকে যখন আমি সার্ভার রিকোয়েস্ট অ্যান্ড রেসপন্স পাচ্ছি, দেন ওই জিনিসটাকেই আমরা ডাইনামিক বলি। স্ট্যাটিক ওয়েব পেজ মানে আমার কাছে শুধু লিঙ্ক আছে, আমরা একটা লিঙ্কে আমার কাছে একটা ওয়েব পেজ আছে, এখানে একটা লিঙ্ক আছে, ওটা লিঙ্কে ক্লিক করলাম অন্য একটা ওয়েব পেজে চলে গেলাম, ওই লিঙ্কে ক্লিক করলাম আবার একটা নতুন একটা ওয়েব পেজে চলে গেলাম, ওখানে সার্ভারের সাথে দেখো ওই কোনো লিঙ্ক, বাস আমরা লিঙ্ক প্রত্যেক কটা লিঙ্কে ক্লিক করবো একটা অন্য অন্য ওয়েব পেজ ওপেন হবে, ওটা হয়ে গেলো স্ট্যাটিক। ডাইনামিক মানে সার্ভারের সাথে কিছু একটা রেসপন্স, সার্ভারের সাথে ওটা কিছু একটা রেসপন্স করে কিছু একটা আউটপুট দেয়। ঠিক আছে, বা এ ডেটা বেসের সাথে কিছু একটা রিকোয়েস্ট রেসপন্সের জিনিস চলে আসে। অ্যান্ড CSS মানে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট। ঠিক আছে, তো এটা HTML আমি টেক্সট কিছু একটা টেক্সট লিখে নিলাম, কিছু একটা আমি ডাইনামিক কোড লিখে নিলাম, এবার এটাকে আমি সাজাতে চাই। সাজাতে মানে আমি তোমরা নর্মাল ওয়েবসাইটে ভিউটা এইভাবে হয়, এইখানে তিনটে আইকন থাকে ঠিক আছে, এখানে একটা হেডিং থাকে বড়, এটা অন্য কালার, এটা অন্য কালার, এইখানে ব্লগস থাকে, এখানে কিছু একটা টেক্সট থাকে ঠিক আছে, এইভাবে কিছু একটা, এখানে একটা ফুটার থাকে, ফুটারে অনেক কিছু লেখা থাকে। সো আমি চাই এখানে এই মেনু বার আসুক, এইখানে ঠিক আছে, এইখানে এখানে মেনু বারের কালারটা ব্লু হয়ে যাক, মেনু বারটা লেফট সাইডে হয়ে যাক, অ্যান্ড এর কালারটা ব্লু, হেডিংয়ের কালার ব্ল্যাক, অ্যান্ড টেক্সটের কালার ব্ল্যাক। সো এই ধরুন আমি যখন ডিজাইনিং চাই, সো ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে CSS ইউজ করা হয়, এটা ফুল ফর্ম হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট, অ্যান্ড এটা ওয়েব পেজকে সিম্পলি মোর ইন্টারঅ্যাক্টিভ করে দেয়। জাভাস্ক্রিপ্ট এখানে ডাইনামিক কাজ করলো, ঠিক আছে, জাভাস্ক্রিপ্টের কাজ হচ্ছে ওয়েব পেজটাকে ডাইনামিক বানানো, CSS-এর কাজ হচ্ছে ঠিক আছে স্ট্যাটিক ওয়েব পেজটাকে স্টাইলিশ বানানো বা ইন্টারঅ্যাক্টিভ, অ্যান্ড HTML তো নর্মাল, ওটা HTML-ই
টেক্সট লেখার জন্য এইচটিএমএল ফাইল ইউজ করি। নেক্সট এক্সএমএল আছে, এক্সএমএল স্ট্যান্ডস ফর এক্সটেন্সিবল মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ ইউজড ফর রিপ্রেজেন্টিং স্ট্রাকচার্ড ইনফরমেশন, স্ট্রাকচার্ড ইনফরমেশন লাইকস বুকস, ইনভয়েসেস অ্যান্ড মাচ মোর। ঠিক আছে, তো যখন আমরা বুকস, ইনভয়েসেস এই ধরনের যখন আমরা কিছু ডেটা ওয়ে, ঠিক আছে, অনলাইনে এই ধরনের যখন ডেটা আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, দেন ওই ক্ষেত্রে আমরা এক্সএমএল ইউজ করি। ঠিক আছে, সো ফাইল ফরম্যাট, টেক্সট ফরম্যাট হো গিয়া। নেক্সট হমারে পাস হ্যাঁ, ঠিক আছে, ইয়াহ পে ইয়ে এক্সএমএল কাজ ইউজ হ্যায় ও স্ট্রাকচার্ড ডেটা কাজ, মতলব মেইন ইয়াহ পে ইয়ে হ্যায় কি এক্সএমএল কাজ তো ফুল ফর্ম ইয়াদ রাখনা হ্যায় এক্সটেন্সিবল মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইউজড ফর রিপ্রেজেন্টিং স্ট্রাকচার্ড ডেটা। ঠিক আছে, স্ট্রাকচার্ড ডেটা। নেক্সট হমারে পাস ক্যা হ্যায়, টেক্সট হো গিয়া, টেক্সট কে বাদ ক্যা থা, উফ, ইমেজ, ইমেজ জেপিজি, জেপিজি, পিএনজি, এইসব ইমেজ ফরম্যাট, এখানে অনেক কটা ইমেজ ফরম্যাট আছে। সো সবার আগে আসে টিআইএফএফ, টিআইএফএফ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ট্যাগড ইমেজ ফাইল ফরম্যাট, ইট ইজ আ কমন ফরম্যাট ইন ডেস্কটপ ওয়ার্ল্ড ফর প্রডিউসিং হাই কোয়ালিটি আউটপুট। টিআইএফএফ ইউজ করা হয় মানে এটা হচ্ছে সবথেকে কমন ফরম্যাট যখন আমি হাই কোয়ালিটি আউটপুট, বেসিক এইখানে দেখো, এইখানে আমি এই সব কথা ইমেজের ব্যাপারে বলি, এখানে আমি লিখে দিয়েছি। ঠিক আছে, এগুলো সব ইমেজ ফরম্যাট, ঠিক আছে। সো যখন আমরা কমন ফরম্যাট ইন ডেস্কটপ ওয়ার্ল্ড ফর প্রডিউসিং হাই কোয়ালিটি আউটপুট, যখন আমি রেজলিউশনটা খুব এক্সটেন্সিভলি লার্জ রেজলিউশন চাই, আমি চাই আমার ইমেজটা একটু ফাটুক না, ঠিক আছে, ইন দ্যাট কেস উই ইউজ টিআইএফএফ। টিআইএফএফ ভেরি ফাইন আমাকে আউটপুট একটা জেনারেট করে দেয়, অবভিয়াসলি ফাইন, যত আউটপুট যত ফাইন হবে সাইজ অফ দ্য ফাইল অতটা বেশি হবে। ঠিক আছে, সো এটা একটা হয়ে যাবে টিআইএফএফ, ফুল ফর্ম ট্যাগড ইমেজ ফাইল ফরম্যাট হাই কোয়ালিটি। নেক্সট বিএমপি, বিএমপি ফুল ফর্ম নেই, বিএমপি ইজ দ্য শর্ট ভার্সন ফর বিট ম্যাপ, বিট ম্যাপটাকে শর্টে বিএমপি বলা হয়। ইট ইজ ইউজ ফর হাই কোয়ালিটি অ্যান্ড লার্জ অ্যান্ড compressed and hence BP is used for high resolution images. তো দেখো এইখানে কোনো ধরনের কম্প্রেশন হয় না, ঠিক আছে, ইয়াহ পে কিসি টাইপ কা কম্প্রেশন নেই হতা, ইয়াহ পে জো ইমেজ হ্যায় ওই আউটপুট তুম, অর বেসিক্যালি ইমেজেস কাজ সাইজ হতা হ্যায় না, মতলব আগর তুম আপনা ফোন মে আগর তুম দেখোগে, আগর কিসি ইমেজ কা ডিটেলস মে যাওগে না, তো ডিটেলস মে দেখোগে ও উসনে ওয়াহাঁ পে ডেট, ওয়াহাঁ পে তুমকো ডেট ভি দিখায়েগা, কোন সা ডেট পে তুমনে ক্লিক কিয়া থা, লোকেশন ভি দিখায়েগা। ঠিক হ্যায়, তুমনে এক ফোটো লিয়া ও দেখনা 8 MB তক, আবি আবি জো ফোটো তুম লোগে না নর্মাল ক্যামেরা সে ও 8 MB তক চলা যাতা হ্যায়, এসা কিউ, কিউকি উসমে কুছ মেটা ডেটা ভি আ যাতা হ্যায়, মেটা ডেটা ইয়ানি जो तुम जो भी तुम एक्टिविटीज कर रहे हो वो वहाँ पे वो डेटा भी स्टोर हो जाता है, मेटा डेटा में वो डेट आ जाता है। ठीक है, वो कौन से दिन तुमने फोटो लिया वो लोकेशन आ जाता है, तुम वहाँ पे लोकेशन ओपन करोगे तो गूगल मैप में एग्जैक्ट सेम लोकेशन ओपन होगा जहाँ पे खड़ा होकर तुमने फोटो लिया था। ठीक है, अगर कोई कैफेटेरिया या कुछ और है तो मतलब वो जितना डेटा इकट्ठा कर पाता है ना वो सब उस इमेज के अंदर वो इंसिस्ट वो, ठीक है, वो उस इमेज के अंदर पुटअप करके ये रख देता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है जो भी सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉइड ये सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसमें मेटा डेटा ये पुटअप कर देता है, जिस वजह से हमारा जो इमेज का साइज है वो 8 MB 10 MB तक भी चला जाता है, तुम कोई भी नॉर्मल फोटो देखे वो 8 MB 10 MB तक चला जाएगा। ठीक, और वो PNG फॉर्मेट में भी सेव होता है ताकि उसमें क्लैरिटी रहे, बहुत ज़्यादा उसमें कंप्रेशन ना हो। बट बिट मैप वहीं पर एक ऐसा फॉर्मेट है जो हाई क्वालिटी और लार्ज एंड कंप्रेस्ड, हाई क्वालिटी हो और लार्ज हो, बट वहाँ पे एक टाइप से मतलब कंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि उसका क्वालिटी में लॉस नहीं हुआ हो, लाइक कंप्रेशन चाहिए बट क्वालिटी लॉस ना हो। ठीक है, मतलब कंप्रेशन नीडेड है बट क्वालिटी को मैक्सिमम से मैक्सिमम ओरिजिनल फाइल जैसा रखा जा सके। वहाँ पे BMP में कंप्रेशन होता है बट जो फाइल क्वालिटी है ना, फाइल क्वालिटी को ट्राई किया जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ओरिजिनल जैसा ही रहे। ठीक, तो BMP का यही है। DIB, DIB स्टैंड्स फॉर डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप, इट इज़ अ फैमिलियर, तो देखो
बिट मैप, बिट मैप तो बीएमपी तो मतलब बिट मैप एंड डिवाइस इंडिपेंडेंट, तो डिवाइस इंडिपेंडेंट, तो इसे ये समझ में आ रहा है कि ये बिट मैप का ऐसा एक फॉर्मेट है जो डिवाइस इंडिपेंडेंट है। लाइक एंड्रॉयड पे अगर वो बिट मैप फॉर्मेट में स्टोर्ड हो रहा है तो वो डेस्कटॉप पे भी, अगर हम उसको डेस्कटॉप में भी उस फॉर्मेट को ओपन करना चाहते हैं तो हमें DIB फॉर्मेट का यूज़ करना होगा, ठीक है। बट इस BMP के केस में क्या है, जो अगर सिर्फ अगर BMP से हम सेव करते हैं तो ये बस एक पर्टिकुलर डिवाइस पे विजिबल होगा, ठीक है। जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस पे हम उस इमेज को एज अ BMP से सेव करें वो बस उस पर्टिकुलर डिवाइस पे ही अवेलेबल होगा। हम चाहते हैं कि हम फ़ोन पे एक BMP इमेज स्टोर करें और उसको PC पे देखना चाहते हैं, तो इन दैट केस .BMP हमारे काम में नहीं आएगा। ऐसे केसेस में हम फ़ोन पे BMP में चेंज करना चाहते हैं एंड उसको हम PC पे देखना चाहते हैं, ऐसे केस में हमारा जो काम करेगा वो है .DIB। तो जैसे .DIB देंगे ना तो वो फ़ोन पे भी रन होगा और PC पे भी रन होगा, तो ये DIB, डिवाइस इंडिपेंडेंट बिट मैप, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेट, ये भी है, एक इमेज फॉर्मेट है GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF पता ही होगा सभी को, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट क्या, GIF क्या होता है, एंड इट इज़ अ कंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट। ये कंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट है एंड बेस्ट यूजफुल होता कब है, जब वहाँ पे कलर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा एक इमेज है जिसका कलर्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, लाइक दो ही तीन उसमें कलर है, देन जो GIF है ना, GIF उस टाइप की इमेजेस में बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। तब GIF बहुत यूज़, और इसका मेन मेन इसका फुल फॉर्म ये ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और ये कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है, यहाँ पे कंप्रेशन होता है एंड ऑब्वियसली कंप्रेशन है तो जितना कम कलर्स होगा उतना क्वालिटी अच्छा होगा कंप्रेशन में। नेक्स्ट हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेट, JPEG। JPEG ये अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाने वाला है, लाइक तुम कोई भी एग्ज़ाम का तुम अगर फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे जो सर्वर पे तुम फोटो बस सिग्नेचर अपलोड करते हो तो वहाँ पे तुमको ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि फाइल फॉर्मेट मस्ट बी इन .JPG और ठीक है JPG या JPEG एंड इट मस्ट बी लेस देन इतना KB, ठीक है। वो लोग JPG और JPEG को छोड़ के कोई एक एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसका मेन इसका रीज़न क्या है, जो JPEG है ना, तुम अगर JPEG है वो क्या करता है, वो मैक्सिमम इमेज कंप्रेशन करता है, मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल इमेज उसको कंप्रेस किया जा सकता है JPEG उसको मैक्सिमम कंप्रेस करता है, तो जिस वजह से क्या होता है जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, और थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स है, हर कोई अगर 1 MB का भी, मतलब लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स है, 1000 बोल रहे, लैक्स ऑफ कैंडिडेट है, अगर हर कोई 1 MB का फोटो अपलोड करेगा ना तो जो साइज रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो साइज रिक्वायरमेंट को जो हार्डवेयर वहाँ पे कंपोनेंट जो वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है सर्वर पे, उसको 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 रिड्यूस करने के लिए ये इसीलिए ये JPEG का यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे वो फाइल साइज भी लिमिटेड होता है कि 100 KB में होना चाहिए। सो JPG का जो फुल फॉर्म है JPG, इस वजह से होता है कि उस वहाँ पे मैक्सिमम इमेज कंप्रेशन होता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये होता है JPEG का फुल फॉर्म, एंड यूज्ड फॉर मैक्सिमम इमेज कंप्रेशन। इट वर्क्स गुड ऑन फोटोग्राफ्स एंड नेचुरलिस्टिक आर्टवर्क बट फंक्शंस लेस ऑन लेटरिंग एंड लाइव ड्राइंग एंड कार्टून्स। तो जैसे ऐसा कोई लाइन टाइप का है ना, लाइन है ठीक है, या कोई लेटर है ABCD, अगर कोई एक इमेज है, ये कोई इमेज है, उसमें कुछ टेक्स्ट या ऐसा कुछ लाइन्स है, कुछ ये है कर्व है, तो वो जो कर्व है ना वो कर्व को डिस्टॉर्ट करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी वो उसमें कंप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो प्रॉपरली समझ में नहीं आता है जो लाइन्स और टेक्स्ट रहता है। बट जो फोटोग्राफ्स होता है या नेचुरलिस्टिक आर्टवर्क होता है, जैसे कोई एक इमेज है, मतलब एक इमेज में मानो ये एक इमेज है, इसमें कुछ ऐसा है, कुछ एक इमेज है और यहाँ पे कुछ ये एक लाइन है, कुछ टेक्स्ट बना हुआ है, तो ये जो लाइन है, ये जो टेक्स्ट है, जब ये ओवरऑल इस JPEG को कंप्रेस करेगा
तो इस पे अफेक्ट ज़्यादा आएगा, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये दिखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर कर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ऑन दी अदर हैंड जो जो इमेज वाला जो पोर्शन होगा, जो इमेज वाला जो एक्चुअल पोर्शन होगा, वो बहुत हद तक सही दिखेगा, प्रॉपरली दिखेगा और क्लियर एंड विजिबल दिखेगा। तो ये है जेपीईजी, मतलब ये वर्क फोटोग्राफ्स और नेचुरलिस्टिक जो आर्टवर्क होता है वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, बट जो लेटरिंग एंड लाइव ड्राइंग या कार्टून होता है ना, वहाँ पे इसका कंप्रेशन बहुत हाई हो जाता है कि वहाँ पे थिंग्स प्रॉपरली समझ में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पीएनजी, पीएनजी होगा, हाँ पीएनजी, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये उसका फुल फॉर्म है। एंड ये बेस्ट काम कहाँ पे करता है, डब्ल्यू पे, डब्ल्यू का भी फुल फॉर्म बता देता हूँ, डब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हाँ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये पीएनजी बेस्ट काम करता है। ठीक है, डब्ल्यू पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, यानी ऑब्वियसली ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे जो इमेजेस देखते हैं मोस्टली पीएनजी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, मोस्टली पीएनजी फॉर्मेट पे रखता है, इससे क्या होता है ना, जो रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन के साथ मिनिमम जो कंप्राइज किया जाता है ना, मिनिमम कंप्राइज है उसमें, जो वो ओरिजिनल इमेज जैसा ही दिखता है, जो कंप्रेशन है वो बहुत मिनिमम होता है और दिखने में बहुत क्लैरिटी लगता है। बेसिकली इसको एक तरीके से मतलब बेस्ट रिप्लेसमेंट मान सकते हैं टीआईएफएफ का। टीआईएफएफ में क्या होता है, टीआईएफएफ में किसी टाइप का कंप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, कंप्रेशन नहीं होता है किसी टाइप से, नो कंप्रेशन। बट पीएनजी में क्या होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है, बट ओरिजिनल क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे और एक था ना जिसमें हम बता रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा, वो क्या था, ठीक है ठीक है, बीएमपी, ठीक है बीएमपी यहाँ पे है, तो बट ये बीएमपी से भी ये है, बीएमपी से ज़्यादा बेटर है पीएनजी, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जो ये कंप्रेशन है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। सर सपोज कोई फोन का रेजोल्यूशन कम है, उसमें कोई फोटो खींचेगा तो वो फोटो फट जाते हैं, तो ये जो आप बता रहे हैं पीएनजी फॉर्मेट में फेंकूंगी तो वो फोटो नहीं फटेगा, ऐसा? सॉरी सॉरी, हम समझे नहीं। सर कोई फोन का रेजोल्यूशन कम है तो कोई फोटो अगर मैं जूम करूंगी तो वो फट जाते हैं, तो ये वो फोटो अगर मैं पीएनजी फॉर्मेट में फेंकूंगी तो वो फोटो मतलब फटेगा नहीं, ऐसा कुछ? नहीं देखो, जो ओरिजिनल फोटो है ना, ठीक है, जो ओरिजिनल फोटो है और ओरिजिनल ओरिजिनल वो तो ओरिजिनल स्टफ है, ओरिजिनल स्टफ तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, वो ओरिजिनल स्टफ ऐसा ही रहेगा, ओरिजिनल वो ओरिजिनल फोटो, और ओरिजिनल फोटो एज इट इज रहेगा, बट जैसे ही अगर तुम उसको पीएनजी, अगर मतलब मेनली पीएनजी में ही सेव होता है, तो ओरिजिनल फोटो में अगर तुम्हारा जितना क्लैरिटी है, अगर पीएनजी में है तो वो क्लैरिटी उतना ही रहेगा, वो घटेगा तब जब जब तुम उसको जेपीईजी में चेंज करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम एक जेपीईजी, तुम्हारे तुम यही बोल रहे हो ना कि एक फोटो जैसे मैंने ठीक है, एक फोटो मैंने खींचा वो डॉट जेपीईजी से सेव हुआ, तो क्या हम अगर उसको डॉट पीएनजी कर देंगे तो वो ज़्यादा रेजोल्यूशन में ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, यही है ना क्वेश्चन? हाँ नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो जो ओरिजिनल इमेज है वो तो अपना ओरिजिनल कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करके रखेगा, ओरिजिनल इमेज जो है वो ओरिजिनल कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन है वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन रहेगा। ठीक, ओरिजिनल रेजोल्यूशन में किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मतलब उसे क्लैरिटी एनहेंस नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, उसमें कुछ अगर तुम चेंजेस करोगे वो उसमें, अगर वही वही वैसे जो मतलब इमेज इमेज एडिटिंग में वो थोड़ा सा शाइन देते हैं, थोड़ा उसको थोड़ा उसमें जो इफेक्ट वगैरह वो सब चेंज हो जाएगा, बट जो ओरिजिनल इमेज एज इट इज़ रहेगा, उसमें लाइटिंग का चेंज हो सकता है, कलर का चेंज हो सकता है, बट ओरिजिनल इमेज में हम किसी टाइप से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल इमेज डॉट जे पी ई जी है, उसको अगर हम डॉट पी एन जी में चेंज कर देते तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो वैसा ही रहेगा। ठीक
ठीक है, क्योंकि हम उसको कम से ज़्यादा में लेके, ठीक है, कम से ज़्यादा में लेके जा रहे हैं। अब ओवर द इंटरनेट अगर तुम .png से .jpeg करने जाओगे या .jpeg से .png करने जाओगे ना, तो वो भी एक सूटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि उन वो लोग एनकोडिंग नहीं करता, वो लोग जस्ट उसको श्रिंक कर देता है। तो अगर जैसे फ़ोन में, अगर हम जो फ़ोन में अगर हमने फ़ोटो क्लिक किया और वो हमारा .png से सेव हो रहा है, ठीक है, कोई भी कैमरा में जब हम सेव करते हैं, ठीक है, कोई भी कैमरा से जब हम कोई भी फ़ोटो सेव करते हैं, वो एक पर्टिकुलर फाइल फाइल फॉर्मेट में होता है। तो कैमरा का क्या है ना, कैमरा हमेशा बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, तो फोटो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा। कि ऐसे जेपीजी को .png में चेंज करो तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसका क्वालिटी एनहेंस हो जाएगा, वो ओरिजिनल ही रहेगा। बट अगर PNG को JPEG में चेंज करोगे तब उसका क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा, मतलब हायर से लोअर में जाओगे तो क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा, और लोअर से हायर में जाओगे तो क्वालिटी पे कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, वो एज इट इज़ रहेगा, किसी भी टाइप का एनहेंसमेंट नहीं होगा। हो सकता है उसमें कुछ जो कॉन्ट्रास्ट वो थोड़ा अच्छा हो गया, उसका लाइटिंग अच्छा हो गया हो, जो कलर है, जो लाइन्स है वो थोड़ा मोर समझ में आ रहा हो, ठीक है, मतलब इमेजेस समझ में अच्छा आएगा, बट उससे क्वालिटी एनहेंस नहीं होगा, ठीक है, जो ओवरऑल जो, ओके सर, ठीक है, जो वहाँ पे जो ये होता है ना, ये वो जो छोटा छोटा ये पिक्सेल्स होता है ना, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक, मतलब इधर से इधर जाओगे तो यहाँ पे साइज कॉम्प्रोमाइज होगा, इधर से इधर में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, सो हाँ सर, ओके, इमेज फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट, ये लास्ट ऑडियो, ऑडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट में हमारे पास सबसे पहले है WAV है। WAV स्टैंड फॉर वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, बेस्ट फॉर स्टोरिंग अनकंप्रेस्ड फाइल, ठीक है, ये सब डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट है। স্যার हाँ এবার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এত কিছু আর হচ্ছে না স্টোর। এটা লাস্ট, বেসিক কিছু মনে রাখতে হবে না, বেসিক্যালি তুমি কত ধরনের কি কি আছে ফাইল ফরম্যাটগুলো, ঠিক আছে, বেসিক কিছু তো বলিনি, কেন মাল্টিমিডিয়াতে বেশি কিছু আসে না, ওই ফাইভ ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট, হোয়াট ইজ টেক্সট, হোয়াট ইজ অ্যানিমেশন তো আসবে না, ওটা ধরো একটা ডেফিনেশন দিয়ে দিগো কি মুভিং মুভিং পিকচার্স, আর ওখানে চারটে অপশন আছে, দেন ওটাকে আমি কোন এলিমেন্ট অফ মাল্টিমিডিয়া বলবো, বা ডিফারেন্ট ফাইল ফরম্যাট দিয়ে দিগো, তোমাকে বলবো উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ फाइंड द ऑड वन आउट बा मैच द फॉलोइंग। अभी मैंने MCQ देखा है तो बहुत सारा MCQ अभी है, तो इकट्ठा नेक्स्ट क्लास में वो सारा MCQ एक साथ करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैंने बस लिखा है समझाने के लिए, यहाँ पे जस्ट जो ब्रैकेट्स में है, जैसे ये सब फाइल फॉर्मेट, मतलब ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वे WAV होता है, MP3 होता है, OGG होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और ये बेस्ट फाइल फॉर्मेट है, अगर आ गया तो एक एक लाइन सब में है, एक एक लाइन ही सब में है, ये पूरा सबको डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर तुमको एग्जाम में थोड़ी आएगा, मतलब वही चीज़ पढ़ो जो तुमको लगता है MCQ में आ सकता है। मैं तो समझाने के लिए इतना लिखा हूँ 2-3 लाइन, ताकि समझ में आ सके, ठीक है, ये लास्ट अभी हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। सो WAV स्टैंड फॉर वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ये बेस्ट फॉर फाइल फॉर्मेट है फॉर स्टोरिंग अनकम्प्रेस्ड फाइल, अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल, बेसिकली यहाँ पे ऑडियो के बारे में बात हो रहा है, ठीक, यहाँ पे ऑडियो के बारे में बात हो रहा है, ये ऑडियो फाइल, अगर ऑडियो फाइल अगर कोई है उसको हम किसी भी टाइप में उसके कंप्रेशन नहीं चाहते, वो जैसा हमने रिकॉर्ड किया है अगर वैसा ही उसको रहना है तो हम उसको WAV फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, तो वो एज इट इज़ रहेगा। डिजिट एक हमारे पास नेक्स्ट है MP3, MP3 का जो फुल फॉर्म है वो है MPEG, MPEG लेयर 3 फॉर्मेट, MPEG लेयर 3 फॉर्मेट, और MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई फॉर्मेट, ये जो है MPEG है, MPEG एक ऑर्गेनाइजेशन है, MPEG एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यही जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एनकोडिंग, जो ऑडियो एनकोडिंग का जो काम होता है ना, कि ऑडियो एनकोडिंग कैसे होगा, ऑडियो से रिलेटेड क्या कहाँ पे कैसा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली ऑडियो ओवर द वर्ल्ड, वो यही मूविंग ये पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यही ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि ऑडियो रिलेटेड चीज़ क्या होना चाहिए। दिस फॉर्मेट
दिस फॉर्मेट इज द मोस्ट यूज फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ऑडियो. मोस्ट यूज फॉर्मेट हमको पता है MP3 में, हम अक्सर गाना सुनते हैं, डाउनलोड भी MP3 फॉर्मेट में ही करते हैं. और ये क्या करता है, ये कंप्रेसेस 1/10, ठीक है. जैसे ये अगर 100 MB का WAV फाइल है, ठीक है, और जैसे ही हम इसको MP3 में चेंज करेंगे तो ये कितना का हो जाएगा, 10 MB का. सेम ऑडियो WAV में 100 MB का है और MP3 में वो 10 MB का हो जाएगा. ये है. और एक है OGG, इज अ ये फ्री ओपन सोर्स फाइल फॉर्मेट है फॉर बेटर स्ट्रीमिंग. एंड स्ट्रीमिंग में इसका मेनली यूज़ होता है OGG. अच्छा कहाँ पे देखो, ये जो डिफरेंट फॉर्मेट है ना, तो डिफरेंट फॉर्मेट का डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ नहीं होता. ऐसा नहीं कि 5-6 बना दिया और जो मन वो यूज़ करो. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन क्या है उस हिसाब से फाइल फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है. OGG फ्री ओपन सोर्स है, जिस इसका ये मेन ये प्रॉपर फंक्शन स्ट्रीमिंग, ठीक है, स्ट्रीमिंग के टाइम पे करेगा, जहाँ पे हाई एंड क्वालिटी में रिजल्ट अच्छा आना चाहिए. जैसे कोई स्ट्रीम कर रहा है तो जो यूज़र उसको देख रहा है उनके पास ऑडियो अच्छा जाना चाहिए, भले इसका ऑडियो कैसा भी हो. तो आउटपुट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, इनपुट भले जैसा भी हो. तो उस टाइप का जब रिक्वायरमेंट होता है तब हम OGG फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, ठीक है. सो यही था ये फाइल फॉर्मेट, ये ऑडियो हो गया. इसके बाद वीडियो भी है, तो वीडियो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा कवर अप. नेक्स्ट क्लास में वीडियो हो जाएगा एंड उसके बाद और जो आगे है आगे चलेंगे. ये सर मतलब और भी फॉर्मेट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में और एक स्लाइड बनाऊंगा, वो सारा स्लाइड में वहाँ पे होगा, ठीक है. अभी इसमें कोई डाउट है कि किसी को, इसमें ज़्यादा कुछ तुमको पढ़ना नहीं है, बहुत लिमिटेड पढ़ना है. पहला जो फाइल फॉर्मेट है वो सब फाइल फॉर्मेट का तुमको चाहिए. एंड नेक्स्ट जो फुल फॉर्म होता है और ये, ठीक है, फुल फॉर्म मल्टीमीडिया का बस तुमको डेफिनेशन पता होना चाहिए. एंड मल्टीमीडिया होता क्या है, मल्टीमीडिया का एलिमेंट्स क्या है, और कुछ कोई एक मतलब बेसिकली एनिमेशन नहीं तो वीडियो से अगर आ जाएगा कि ये दे देगा कि मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक मल्टीमीडिया में, ठीक है, कौन सा मतलब चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया एलिमेंट, या ऐसा कुछ दे देगा. मतलब जैसे PNG वगैरह मैंने बताया था ना कि करेक्ट फॉर्मेट क्या है, कि एक फाइल ने दो फाइल नेम का सेम है एक्सटेंशन डिफरेंट है तो वो ट्रू है, या दो फाइल नेम का सेम नेम है एक्सटेंशन भी सेम है वो वगैरह ट्रू है, वैसा टाइप का. बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, सब कुछ पढ़ना नहीं है. पहला बात ये फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ये सब पढ़ना है, और एक दो डेफिनेशन पढ़ना है जो फॉर्मेट मैंने बताया वो सब, ठीक. ओके सर, बोलछिलाम मार्कर लैंग्वेज और प्रोग्राम लैंग्वेज में मध्ये डिफरेंस था कुछ? एक सेकंड